नमस्ते, निशा बेगम का लजीज किचन में आपका स्वागत है। चलिए आज एक सब्जी का हम डिश बना के आपको दिखाएंगे, सादा सिंपल झटपट। तो ये देखिए, एक पीस हमने प्याज काट लिया है, इस तरीके से बारीक काट लिया है। ये मिक्स मसाला हमने एक चम्मच लिया है इस चमलेस में, और इसमें हाफ टी स्पून हमने लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। ये मिक्स मसाला डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, इसका आप चेक कर सकते हैं। और ये हमने लिया है एक पीस टमाटर, आलू तीन पीस लिया है, तीन पीस छोटा साइज का आलू लिया, इस तरीके से काट लिया है। ये सीम हमने इस तरीके से बीच से दो टुकड़ा कर लिया है। अब चलिए कढ़ाई का तरफ। कढ़ाई में हमने पहले से तेल दे दिया है, अब इसमें ऐड करेंगे ये बारीक कटा हुआ प्याज। हमने सरसों ऑयल लिया है, ये हल्का ब्राउन होने तक तो इसको भूजेंगे हमने। तो ये देखिए, प्याज हमारा हल्का ब्राउन हो चुका है। अब इसमें ऐड कर देंगे आलू सीम टमाटर। अब इसमें ऐड कर देंगे ये छोटा चम्मच में एक चम्मच नमक। अब इसको बढ़िया से थोड़ा नमक का साथ प्याज का साथ चला लेंगे। अब इसको ढक देंगे, हाफ हाफ मिनट में इसको खोल के दो बार हम सब्जी को पलटेंगे। ये जो मिक्स मसाला है, इसमें हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर है, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर है, हाफ टी स्पून गोल मिर्च पाउडर है, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर है, और एक से दो कलियां लहसुन का कली है, एक चौथाई भाग अदरक का टुकड़ा है। ये सारा देके हमने पीस लिया है। ये देखिए, ये हाफ मिनट हो गया है। अब इसको हम पलट लेंगे इस तरीके से, पाट पाट करते हुए पलट लेंगे, फिर इसको बीच में लाते हुए इस तरीके से फैला देंगे। अब हम ढक के नहीं पकाएंगे, अब इसी तरीके से हो जाएगा। तो ये देखिए, ये अदरक लहसुन का पेस्ट, ये मिक्स मसाला, इसी में ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इसको बढ़िया से थोड़ा फ्राई करेंगे। मसाला हमारा सब भुना हुआ है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना होगा। जिसका कच्चा मसाला रहता है उसको थोड़ा ज़्यादा फ्राई करना पड़ता है, नहीं तो मसाला में से भी एक कच्चापन आता है। फिर भी हम हाफ मिनट एक मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे। तो ये देखिए, इस बाटी में हमने एक बाटी पानी लिया है, ये पानी तकरीबन होगा 600 ग्राम पानी होगा, हमने इसको इसी में ऐड कर दिया। नमक हमने पहले जितना दिया था बाद में भी उतना ही देंगे, एक चम्मच, और इसको बढ़िया से चला लेंगे। चला के इसको ढक देंगे, एक मिनट बाद इसको हम पलट के देखेंगे आलू गला है कि। ये देखिए, हमने दो मिनट छोड़ के इसको थोड़ा सा चला लिया था, फिर एक मिनट बाद इसको निकाले हैं। ये देखिए, सब आलू भी गल के रेडी हो गया, टमाटर भी गल गया। ये टमाटर इसी में फोड़ देंगे, इसी तरीके से इसे फोड़ देने से इसका टेस्ट लाजवाब होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। इसी में इसी तरीके से मिला देंगे। तो ये देखिए, सब्जी हमारा बन के रेडी हो गया है, अब हम आपको निकाल के दिखा रहे हैं। ये देखिए, आलू सीम का सब्जी बन के रेडी हो गया है। इसको हमारा यहाँ बोलते हैं आलू सीम के तरकारी। तो ये बहुत अच्छा लगता है, रोटी का संग में आप सब कीजिए,
चावल का संग में भी, किसी का भी संग में आप खा सकते हैं। ये देखिए रोटी और हमारा ये आज का डिश बना है। तो आज का वीडियो हमारा कैसा लगा, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर करके जरूर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते।